इसमें जो सेक्शंस हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस में कोई डाउट? सर्कुलर मोशन का स्टडी पैकेज, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इज अनदर सेक्शन। और सॉल्व प्रॉब्लम काफी सारे दे रखे हैं इसमें, नियरली 20 सॉल्व प्रॉब्लम्स। और ये सारे सॉल्व प्रॉब्लम दे आर वेरी मच चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लेवल 1 में ट्वेंटी प्रॉब्लम्स आ देयर एंड देन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लेवल 2 क्या डिस्कस करने की इच्छा नहीं कर रही है? लेवल 3 भी है, लेवल 3 के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। सर लेवल 2 में थर्ड और फोर्थ, लेवल 2 में थर्ड और फोर्थ देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए पहले लेवल 2 का थर्ड एंड फोर्थ का डालते हैं। Of motion of particle moving on a circular path of radius r. Radius r is 200 meter and the equation of motion is 18t plus 3t square plus 2t cube, where s is the total distance covered from the straight point in meters at the end t. The maximum speed of the particle is given by, where s is total distance traveled from point in the meters at the end, the maximum speed of the particle will be. Ab isme डिस्टेंस दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा। इनफैक्ट दिस इज माइनस 3t square speed, this is distance, so speed would be ds by dt, or ds by dt ko main kahunga 18 minus 60, 18 plus 60 minus 60, this is 60 square. This is the speed, because
cost is a distance and d by dt of distance would be speed. अब उन्होंने पूछा है maximum speed. For maximum speed, d by dt of speed must be zero. This is the maximum condition. अब d by dt of speed निकाल लेते हैं पहले. d by dt of speed would be 0 plus 6 minus 12 b. And this thing must be 0. For max speed, 6 minus 12 t naught must be 0. Or t naught would be equal to 1 by 2. इस समय पर मैक्सिमम स्पीड होगी. अब इस मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं लिख देता हूं 18 प्लस 6 टी नॉट माइनस 6 टी नॉट स्क्वायर और दिस इज 18 प्लस 16 इंटू 1 बाय 2 माइनस 6 into 1 by 4 and this would be the maximum speed. 18 plus 3 minus 1.5, that is some 19.5 meters per second. Truthfully speaking, इसका मुझे circular motion से तो कोई मतलब देख ही नहीं रहा. बस सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रहा है, पर सर्कुलर पाथ में कंसेप्ट तो ऐसे कैसे रहेंगे स्पीड के साथ. सिर्फ यही कहना है उनका. अ पॉइंट मूव्स अलोंग आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. दिस आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस इज आर. इट्स वेलोसिटी वेरीज एज velocity varies as a root s, where a is a constant. The angle alpha between the vector of total acceleration and velocity vector is given by. Now this is an interesting problem. Isme unne total velocity vector or एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल की कंडीशन पूछी है और एक पॉइंट है. इट्स मूव अलोंग आर्क, दिस इज एन आर्क एंड इट्स रेडियस इज आर. इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी और वो इस तरह से वेरी करती है. दिस ए रूट एस, हियर इज अ कांस्टेंट एंड एंगल अल्फा इज बिटवीन द टोटल एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी. देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं. इफ दिस इज द वेलोसिटी और दिस इज स्पीड, देन व्हाट इज एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज डी बाय डीटी ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो दिस इज, आई विल से here velocity is given in terms of displacement. So, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं dv by ds into ds by dt. ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. This is ds by dt is v into dv by ds. और dv by ds इधर से लिखा जा सकता है. dv by ds मैं इधर से लिख देता हूं a और रूट s का जो डिफरेंशियल होता है, दैट इज 1 बाय 2 रूट s. दिस इज
डी बाई एस, तो इधर से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरे पास में आ गया। V की जगह पर मैं लिख देता हूं A रूट एस, और डी बाई डी एस की जगह पर लिख देता हूं मैं A बाय टू रूट एस, रूट एस, रूट एस, रूट एस कैंसिल, ये हुआ A स्क्वायर बाय टू। दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। किसी भी समय पर पार्टिकल जब इधर है कहीं पर, तब उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन। अब रेडियल एक्सीलरेशन लिख देता हूं, रेडियल एक्सीलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर एस बाय आर, दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, यह रेडियल एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन उसका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द नेट एक्सीलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम। अब उन्हें क्या पूछा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक और बार देखते हैं। द एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन। अब एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन टोटल एक्सीलरेशन, यह तो है टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर वो टेंजेंशियल होएगा। एंड एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो यह एंगल अल्फा हुआ। अब इस एंगल अल्फा के लिए मैं कहता हूं टैन अल्फा इज ए आर अपॉन ए टी, ए आर अपॉन ए टी, सो टैन अल्फा इज ए स्क्वायर एस अपॉन आर, ये तो ए आर हुआ, और ए टी है ए स्क्वायर बाय टू, सो टैन अल्फा इज टू एस अपॉन आर, और अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ टू एस अपॉन आर। इन दिस मैनर विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको 7 दिन का समय और देता हूं। एचसीवी की जो मैंने आज डाउट सॉल्व करवाया उनको भी एक बार देखना, एचसीवी बुक को पूरा पूरा सॉल्व करना, और कोई डाउट्स आते हैं तो वह पूछो। इसी स्टडी पैकेज को मैं एक और बार उठाऊंगा, कोई और डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, लेवल थ्री का एट, और कोई हो तो फटाफट और बोली दो। पीएफपी में सेकेंड, फोर्थ ऑफ, चलिए पहले इतने करते हैं, लेवल थ्री का एट पहले करते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, साफ करने वाला हूं। लेवल वन का 14 एंड 15, ठीक है। पहले पर मैं अब जो लिखे हुए पहले वह सॉल्व करूंगा, फिर आपके और डाउट ले लूंगा। आई थिंक विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, अगले संडे को अवश्य कराऊंगा और भी। पहले लेवल थ्री का 8, फ्रिक्शनलेस वायर इज फिक्स्ड बिटवीन ए एंड बी इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द बॉल स्लिप्स अलोंग द वायर, द टाइम टेकन
by the ball to slip from A to B will be. हाँ अरे पहले अब जो लिखे हुए हैं पहले अब इनको सॉल्व करो इसके बाद समय बचेगा तो दिस इज अ सर्कुलर वायर दिस इज पॉइंट ए और यह वर्टिकल यह पॉइंट ओ और इधर एक वायर बांध दिया है पॉइंट बी और इस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है अ फ्रिक्शनलेस वायर इज फिक्स्ड बिटवीन ए एंड बी इनसाइड स्फीयर ऑफ रेडियस आर स्मॉल बॉल स्लिप्स अलोंग द वायर द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी अब देखिए यह एंगल थीटा लेंथ ऑफ वायर हमें लिखना होगा किसी भी समय पर इस पर वेट mg और इस mg के दो कंपोनेंट एक यह और एक यह दिस एंगल वुड बी थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी mg sin थीटा हम कहेंगे mg cos थीटा कंपोनेंट की वजह से यह पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा और इधर से हमें यह आ जाएगा एक्सीलरेशन इज जी कॉस थीटा और यह कॉन्स्टेंट है जी कॉस थीटा से यह नीचे एक्सीलरेट करेगा अब लेंथ ऑफ वायर हमें डिटरमाइन करना है जो कि बड़ी आसानी से डिटरमाइन करा जा सकता है हम इस पॉइंट को जिससे जोड़ दें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह 90 डिग्री होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बिकॉज दिस एंगल वुड बी ऑलवेज 90 माइनस थीटा और फिर हम लिख सकेंगे द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल L upon 2R. L upon 2R is cos theta. L upon 2R is cos theta. And this is the distance of travel. एक्सीलरेशन दे रखा है जो कि कांस्टेंट है डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यह इक्वेशन लगा देता हूं L इज इक्वल टू टू आर कॉस थीटा तो L की जगह मैंने वहां डिस्टेंस ट्रेवल गलत लिख दिया भाई ये cos थीटा में मुझको डिस्टेंस ट्रेवल नहीं लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एल एल इज टू आर cos थीटा एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल और फिर वही इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर S की जगह पर मैं लिख देता हूं 2R cos theta U की जगह पर 0 into T plus half A की जगह पर G cos theta into T square cos theta cancelled
t square equal to 4 r by g, or t is under root of 4 r by g. Or t is 2 root of r by g. This is the answer. Level 3 ka 8th problem. अब हम पीएफपी का सेकेंड प्रॉब्लम पहले करेंगे. इसे ध्यान से देख लीजिए.